अफगानिस्तान विच वसदा सिख भाईचारा मौत दे साए हेठ है। मासूम बच्चे सहमे हुए हैं, पल पल मौत का साया सता रहा है। एक पासे महामारी दुनिया नूं चपेट च लै रही है, अफगानिस्तान विच भी उसका खौफ है, पर 29 वर्यां दी इंदरजीत कौर दी फिकर महामारी नालों वध ओह बीमारी है जो उन्हां नूं कई दहाकियां तों निकलदी जा रही है। उसका कहना है कोरोना वायरस तों उन्हां डर नहीं लगता जिन्ना अटैक तों लगता है। 2 महीने पहला उसने दहशतगर्दी हमले विच अपने पति समेत 2 भरा गवाए हैं। 25 मार्च नूं गुरद्वारा साहब गुरु हर राय साहब ते हुए हमले ने इंदरजीत कौर दी जिंदगी तबाह करके रख दिती है। भी किसी होर हमले का खतरा हर पल अंदरों वड़-वड़ खा रहा है। एक तंग कमरे विच अपने 3 मासूम बच्चियां 11 साल दे हरजोत, 6 साल दी सिमरजीत, 3 साल दे अरवीन नाल ओ सहमी हुई दिन कट रही। ओ इस वेले गुरुद्वारा श्री दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी सिंह सभा कारते पुराण विच रुके हुए हैं। उसका कहना है कि गुरुद्वारा साहब विच रुकना साडी मजबूरी है, होर किथे जाइए। मैं सिर्फ अपने बच्चों की जान बचाउणी है, मैनूं इन्हां दा फिक्र है। असीं जल्द तो जल्द इन्हां हालातों तो निकलना चाहुंदे हां। इसे साल 25 मार्च नूं होए गुरुद्वारा साहब ते हमले विच 25 तो वध सिख मारे गए। इस वेले 600 दे करीब सिख अफगानिस्तान विच हन। उन्होंने भारतीय अंबैसी नूं वीजा वास्ते लिखिया है। इस वेले ओह कोरोना वायरस महामारी दे खतरे विच वी हन। इस हमले तों बाद गुरुद्वारा साहब विच रहण नूं मजबूर हन। इह सिख परिवार गुरुद्वारा साहब दे इक कमरे विच 9 तों 14 मैंबर तक रह रहे हन। असल विच 1992 तों बाद अतवाद दे उभार दरमियान कई सिख परिवार बेघरे हो गए। उन्हां दिनां तों ही ओह गुरुद्वारा साहब विच रह रहे सन, पर 25 मार्च नूं गुरुद्वारा हर राय साहब ते होए हमले ने स्थिति होर गंभीर बना दित्ती है। इन्हां सिख परिवारां नूं होर गुरुद्वारा साहब छोटे कमरे शिफ्ट होना पिया है। हमले तो बाद गुरुद्वारा हर राय साहब बंद पिया है, सो उस तो बाद इत्थे रह रहे परिवार दूजे गुरुद्वारा साहब विच रह रहे हैं। अफगानिस्तान जदों इस वेले कोरोना वायरस महामारी की चपेट विच तेजी नाल आ रहा है। 12,000 पॉजिटिव केस पाए जाण दरमियान 227 लोकां दी इस महामारी की चपेट च आउण नाल मौत हो चुकी है। अफगानिस्तान का सेहत ढांचा इस बीमारी नाल निजिठण दे समर्थ नहीं। उपरों कोई जागरूकता नहीं, ना ही टैस्ट भी ना मात्र ही हो रहे हैं। तो एक एक कमरे च वड्डी तादाद विच डके सिख परिवारों की फिक्र वधनी सुभाविक है, पर इन्हां परिवारों का कहना है कि कोरोना वायरस नालों वड्डा खतरा तो दहशतगर्द हैं। ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 50 ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਬਾਥਰੂਮ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਖਸਤਾ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਪਲ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।